पंडित दुर्जय भौमिक जी तबले की प्रस्तुति देंगे। भौमिक जी का नाम संगीत की दुनिया में बड़ा जाना पहचाना नाम है। कलकत्ता में जन्मे हैं। शुरुआती तालीम उनकी बनारस घराने के उस्ताद पंडित दुलाल नट जी से उन्हें हासिल हुई है और फिर आला तालीम उन्होंने पंडित सुरेश तलवालकर से हासिल की। अभी देखिए कि कितनी साधना उन्होंने की होगी कि जब उंगलियां उनकी तबले पर थिरकती हैं तो संगीत की लहरियां इस तरह उठती हैं कि वो कानों के ज़रिए दिल में जा कर के गुनगुनाने लगती हैं, और जो वो उनकी उंगलियां जो कुछ कह रही हैं वो हमें न सिर्फ सुनाई देता है बल्कि दिखाई भी देने लगता है। लगभग 25 साल से तबले से उनका इश्क का सफ़र जारी है। तमाम बड़े जो संगीतकार हैं उनके साथ आइए भौमिक जी, पंडित राजन साजन मिश्रा, विदुषी गिरिजा देवी, उस्ताद अब्दुल हलीम जफ़र ख़ान, उस्ताद शुजात ख़ान जैसे तमाम बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने संगत की है, और यही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जापान अमेरिका वगैरह वहाँ के जो संगीतकार हैं उनके साथ भी उन्होंने संगत की है। बहुत सारे पुरस्कार कलाश्री सम्मान संगीत सहोदर सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं। अगर कलाकार के बारे में जिसने 25, 30, 40 साल की साधना की हो उनके बारे में हम बताने लगें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम यहाँ संगीत का आनंद लेने आए हैं। हम स्वागत करते हैं पंडित दुर्जय भौमिक जी का, और आप डूबकर उनका तबला वादन सुनिए। सारंगी पर उनका साथ दे रहे हैं तनिष्क धौलपुरी साहब, उनके लिए भी। और जो बच्ची ज़ेबा जो गज़ल जब गा रही थी तो वहाँ उस वक्त हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी साहब थे और तबले पर पंडित दुर्जय भौमिक साहब उनका साथ दे रहे थे। ये भी देखिए कि इतने सीनियर तबला वादक हैं, वो बच्चे की हौसला अफजाई के लिए अपनी परफॉर्मेंस से पहले, ऐसा आमतौर से बहुत कम होता है कि कोई सीनियर कलाकार होता है तो वो अपनी बारी पर ही जाता है, उससे पहले वो नहीं चाहता है कि उसका एक्सपोजर हो, लेकिन ये उनकी विनम्रता है। इस विनम्रता के लिए भी मैं चाहता हूँ आप उनका स्वागत करें और ताली बजाएं। आदरणीय पंडित दुर्जय भौमिक जी। नमस्कार, मैं स्वर धरोहर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने अच्छे एक संगीत सम्मेलन पूरे देशव्यापी जो उन्होंने कुछ दिनों से आयोजन किए हैं उसके लिए, और स्पेशली गुलाम मोहम्मद भाई को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट को डेवलप करके पूरे देश में ले जाने के लिए, साथ ही साथ जो यंग टैलेंट है उनको भी इतने आगे इतने बड़े स्टेज में मौका देने के लिए, ये आज के समय बहुत ज़रूरी है। मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेके 3 ताल से छोटी सी प्रस्तुति देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा कुछ इलेबोरेट नहीं करेंगे, छोटे छोटे झलकियाँ हम देंगे, और एक चीज़ ख़ास तौर पे मैं इसमें पेश करना चाहता हूँ। संगीत के साथ लिटरेचर को जोड़ने का जो एक बहुत अनोखा पहल, ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है, लिटरेचर अपने जगह में है और संगीत अपने जगह में है। हम एक दूसरे को मिलाते नहीं हैं कभी, मतलब पहले नहीं मिलाए। बहुत कम ऐसे मौका हमें मिलता है कि संगीत के जो लिटरेचर है और स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो साहित्य है वो इतना वैल्यूएबल है और सारे वर्ल्ड में इसका इतना वैल्यू है। मैं तबला प्लेयर हूँ इसलिए मैं एज ए रिदमिस्ट आई कैन फील,
जहाँ भी हम जाते हैं, इवन इफ वी डोंट नो ईच अदर्स लैंग्वेज, वी कैन टॉक विद देम मे बी 24 आवर्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द म्यूजिक वी हैव. एंड इट इज़, ये बहुत ही खास है, ये इतना खास है कि इसकी लैंग्वेज से ही हमें सब लोगों को बचपन से रूबरू कराया जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इसके डेवलप होते हैं, ये डेवलप होते हैं हमारे अंदर. तो इसमें जहाँ लैंग्वेज है वहाँ लिटरेचर होगा, और वो लिटरेचर इतनी पुरानी है कि ऐसे पुराने कुछ बंदिशें हम लोग बजाते हैं जो जिसका रचनाकार कौन है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना खास रचना है ये, उसमें इतना सा भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है. ये खासियत है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का और तबला शास्त्र का. तबला इट्सेल्फ इज़ ए शास्त्र, और ये शास्त्र इतना बड़ा है, इतना इसका वैल्यू है, जो पूरे विश्व में इसका समादर है. तीन ताल में प्रस्तुत है एक कायदा, कायदा के बाद कुछ छोटे बंदिश, फारुखाबाद घराने का एक कायदा अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. मेरे साथ लहरे पे तनीश भाई है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए. बहुत अच्छा बजाते हैं, और हम लोग पहली दफ़ा इस मंच पे मिल रहे हैं, इसलिए गुलाम मोहम्मद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद. शुरू करते हैं, इजाज़त.
बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं तो इसलिए बहुत शॉर्ट में चीज़ें दिन दिन नाटक दिन दिन जैसे रचना धा कंपोजिशन था ये पंजाब घराने का था, अब एक बनारस घराने का। कथा कथा गधी कर तकता कर तक धी कर तक धेटे कांग था कत्ते तो था घन ते तो था घगे ना ना कथा कथा करना ते कर तक ता ता करना ते कर तक धर कर धेटे ता धेटे कर जाते ना कथा ता घन ते था कर जाते ना कथा ता घन ते था कर जाते ना कथा ता घन था।
धीरे-धीरे की तक एक बहुत इम्पोर्टेंट बोल है जिससे बहुत सारे एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं, जैसे बहुत रुद्र रस है उसमें, उसमें फिर जो और भी बहुत सारे रस है। तो दिल्ली का कंपोजिशन लिखा सब कथा। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित दुर्जय भौमिक जी ने एक माहौल बना दिया।